सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एड गेमर। एंड भाई लोग, आज जो है ना, हम करने वाले हैं न्यू वेपन रॉयल के ऊपर रिव्यू, मतलब कि जो नया AWM आया है ना, उसके ऊपर हम रिव्यू करने वाले हैं। एंड गाइस, सबसे मेन चीज़ बताऊँ क्या है, जो स्नाइपर प्लेयर है ना, उनके लिए तो मतलब ये खुशखबरी है कि भाई मतलब नया वेपन आया है, वो भी AWM के, ठीक है। तो मतलब बहुत ही मस्त है। बाकी जो अपन रिव्यू करेंगे कि भाई कैसे गन इसके और क्या क्या खासियत है, मतलब क्या क्या एबिलिटीज़ है, ठीक है, सब चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जो है ना, अपन डैमेज देख रहे थे। तो भाई इसका जो है बिना वेस्ट के 300 का जो है बॉडी शो लगता है, और हेडशॉट जो है 1100 का लगता है, ठीक है भाई लोग। तो अभी जो है ना, अपन रियल देखो, जैसे कि हम लेग में मारते तो 150 का लगता है, कमर में भी 150 का लगता है, और चेस्ट में मारेंगे तो 300 का बॉडी शो लगता है, और हेड में मारेंगे तो 1100 का हेडशॉट लगता है, आपको पता ही हुआ। बाकी डैमेज तो नॉर्मल ही है, जैसे नॉर्मल AWM का होता है ना, बिल्कुल वैसे ही डैमेज है, ठीक है भाई लोग। बाकी जो जैसे कि आप ये देख सकते हो, क्या ही तो मस्त वाला हेडशॉट मार दिया। फर्स्ट मैच स्टार्ट होते ही मैंने जो एक हेडशॉट मार दिया है। फिलहाल इसमें जो है, मैं एबिलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्या एबिलिटीज़ है इसके अंदर, ठीक है। तो गाइस, इस AWM में जो है आपको डबल रेट ऑफ फायर मिल जाता है, एक आर्मर पेट्रेशन प्लस मिल जाता है, और साथ में जो है रिलोड स्पीड माइनस मिलता है। तो चलो अभी जो है एक एक करके जो है अपन बात कर लेते हैं। तो भाई डबल रेट ऑफ फायर होने का क्या फ़ायदा है, मैं बता देता हूँ। भाई डबल रेट ऑफ फायर होने से क्या होगा कि आपकी जो गोली है वो बहुत स्पीड में निकलेगी। ये तो आपको बेसिक सी नॉलेज है, तो ये चीज़ आपको पता ही होगा। बाकी जो है ना, मतलब जो डबल स्नाइपर यूजर है, लाइक जो डबल स्नाइपर चलाते हैं, उनके लिए जो है ना ये गन बेस्ट होगा मेरे हिसाब से, जितना मुझे लगता है। लाइक अगर किसी के पास, मतलब जो बंदा डबल स्नाइपर चलाता है और उसके पास गन की स्किन नहीं है, लाइक AWM की स्किन नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो ये स्किन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही OP स्किन है। क्योंकि इसमें आपको डबल रेट ऑफ फायर एंड एक जो है आर्मर पेनिट्रेशन प्लस मिलता है। अब इससे होगा क्या कि भाई अगर आप डबल स्नाइपर प्लेयर हो, मतलब दो स्नाइपर गन चलाते हो एक साथ, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो सकता है। क्योंकि भाई आप जो है ना AWM का एक शॉट मारोगे, तो एक शॉट में जो है ना आप जो है एनिमी की जो है सामने वाले जो एनिमी है उसके जो है वेस्ट अच्छा खासा फाड़ सकते हो, मतलब कि वेस्ट को जो है अच्छा खासा डैमेज दे सकते हो। अब इससे क्या होगा कि वेस्ट फटते ही है ना, आपको जो है दूसरी गोली जो मारोगे आप AWM या फिर ME2P की जो दूसरी गोली मारोगे, तो उसका जो डैमेज है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है भाई लोग, जैसे कि आप जानते होंगे। तो मान लो एक गोली जो है आपने AWM की चला दिया, और दूसरा जो है आपने ME2P की चला दिया, तो वो बंदा ऐसे ही खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से। दो गोली में वो बंदा खत्म हो जाएगा, उसको मेरे हिसाब से बचना थोड़ा मुश्किल होगा अगर आपका फेक डैमेज नहीं हुआ तो। बाकी जो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने क्या ही तो हेडशॉट मार दिया है। फिलहाल मैं जो है ना स्नाइपर प्लेयर तो नहीं हूँ, इतना अच्छा नहीं चलाता मैं स्नाइपर, बट हाँ अभी मैं जो है सीख रहा हूँ, तो बस यही बात है। बाकी जो है बहुत ही OP गन स्किन है, तो ज़रूर से ले लेना भाई, जिसके पास स्किन नहीं है वो ज़रूर से ले लेना। बाकी अगर किसी के पास स्किन है तो भी वो ले सकता है, क्योंकि बहुत ही OP स्किन है, डबल रेट ऑफ फायर बहुत OP है, और सबसे मेन चीज़ है कि इसमें जो है आर्मर पेनिट्रेशन भी प्लस मिलता है, भाई बहुत OP यार। तो भाई लोग, मैं जो है ना आप लोगों को यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई एक बार जो ट्राई करके देखना इस गन स्किन को, मतलब जो स्नाइपर प्लेयर है वो तो ज़रूर ट्राई करके देखना भाई कैसा गन स्किन है, ठीक है। बाकी मैं इतना ढंग से बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं खुद स्नाइपर प्लेयर नहीं हूँ इतना अच्छा वाला। तो अगर आप स्नाइपर प्लेयर हो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि भाई कैसा गन स्किन है। बाकी तो मेरे को जितना लगता है ये तो बहुत अच्छा गन स्किन है, बहुत OP गन स्किन लगा मुझे अपनी तरह से, क्योंकि डबल रेट ऑफ फायर है, उसके साथ में आर्मर पेनिट्रेशन है, तो सबसे मेन चीज़ यही है भाई, डबल रेट ऑफ फायर और आर्मर पेनिट्रेशन। बस डिसएडवांटेज यही है कि भाई इसमें जो है बस आपको रिलोड स्पीड माइनस मिलता है बस, जिसका तो मतलब आप आराम से रिकवर कर ही लोगे। अगर आप स्नाइपर प्लेयर हो तो आराम से इतना तो रिकवर कर ही सकते हो। बाकी भाई लोग, अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो गाइस, मुझे जो है ना ये गन स्किन बहुत ही OP लगी है, खतरनाक गन स्किन है। बस इसका एक ही डिसएडवांटेज है, जिसको आप आराम से रिकवर कर सकते हो, मुझे पता है, ठीक है। बाकी जो है ना, अगर कोई बंदा नया आ रहा है या फिर कोई जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, भाई लोग एक बार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अपन को ना थोड़ा सा सब्सक्राइब चाहिए। अपन जो है 4K सब्सक्राइब के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है, तो जल्दी से 4K सब्सक्राइब करवा भी दो यार। 4K सब्सक्राइब हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, फिर अपन जो है ना 4K सब्सक्राइब पे थोड़ा सा गिव अवे वगैरह करेंगे, छोटा मोटा एक माइलस्टोन पे कर देना अपन गिव अवे। तो यही बात है, बाकी जो है कर दो यार, थोड़ा सा आपके भाई को मोटिवेशन मिल जाएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी ना शेयर कर देना इस वीडियो को। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, भाई सब्सक्राइब कर देना यार। चलो टाटा बाय बाय।